हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैक चीपेट विद टिप्स एंड ट्रिक्स। इमल्शन का आज हमारा लास्ट का टॉपिक है जो हम इमल्शन का पढ़ते आ रहे हैं। थर्ड पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़े हैं, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट है हमारा इमल्शन का। बहुत ही सिंपल वे से मैं करवा रही हूँ। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट, ठीक है। जो आपको पॉइंट नहीं क्लियर हुआ, जहाँ कोई समझ नहीं आ रहा, तो आप प्लीज़ कुछ भी, आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ मेंशन करके बताओ मुझे, ताकि मैं अपना वो चीज़ इम्प्रूव कर सकूं। तो अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस होती है किसी वजह से, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है। तो लॉकडाउन का टाइम है, तो हर कोई अपने अपने घर पे है, तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होगी। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट एंड रियली ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्ज़ाम्स। तो आप प्लीज़ ध्यान से स्टडी करो। आज का हमारा लास्ट टॉपिक इमल्शन का है, जो जिसमें हमने लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स हैं इमल्शंस की, जो कई बार क्वेश्चन आता है कि सर्फेक्टेंट की एग्जांपल बताओ। तो सर्फेक्टेंट की एग्जांपल्स हैं जैसे ट्वीन है, स्वैन है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक कोलाइड की टाइप के इमल्शंट कौन से होते हैं, तो अकेशिया, जो बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। फाइनली डिवाइडेड सॉलिड जो बेंटोनाइट एंड विगम है, जो आते हैं फाइनली डिवाइडेड सॉलिड में, इमल्शंट की फॉर्म है, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स आती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो मेन, इनस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। तो हमने पढ़ा था ना, टेस्ट हमने करवाए थे इमल्शन के, तो हमें स्टेबिलिटी क्यों नहीं आई, हमारा टेस्ट क्यों नहीं पास हुआ। तो उसके रिजल्ट हमें देखने हैं, जब आपकी इमल्शन ख़राब हो जाती है, जब आप बनाते टाइम पर आपकी इमल्शन सही नहीं बनी, तो उसकी क्या प्रॉब्लम आती है, क्या दिक्कत आती है, वो हम आज पढ़ेंगे। फर्स्ट है इसमें कॉलसेंस। कॉलसेंस में मैंने जैसे आपको बताया था कि दो मॉलिक्यूल्स जो मर्ज हो के, जैसे ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में मर्ज हो के एक मॉलिक्यूल रेडी करेंगे, तो वो होती है हमारी कॉलसेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ग्रोथ प्रोसेस है इन विच स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल मतलब दो ग्लोब्यूल जो मर्ज हो जाते हैं विद ईच अदर टू फॉर्म लार्जर पार्टिकल, एक बड़ा पार्टिकल बना देते हैं, ठीक है। तो ये क्यों होता है, जब आपकी जो इमल्सिफाइंग एजेंट है जो इनसफिशेंट है, सफिशेंट अमाउंट में नहीं है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। इसको हम प्रिवेंट तभी कर सकते हैं जब हम सफिशेंट अमाउंट यूज़ करके, ठीक है, तो प्रॉपर सफिशेंट अमाउंट यूज़ करके इमल्सिफाइंग एजेंट की, तो हम इसको प्रिवेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी क्रीमिंग। क्रीमिंग प्रॉब्लम जो है, क्रीमिंग जो आ जाती है कई बारी, ये इसमें क्या होता है कि एक लेयर बन जाती है आपकी, या तो टॉप पे बन जाती है या बॉटम पे बन जाती है, ठीक है। किसकी लेयर, ग्लोब्यूल की। इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लोब्यूल, ये एक कंसंट्रेशन ही है ग्लोब्यूल पे एट द टॉप और बॉटम ऑफ इमल्शन, ठीक है। दो टाइप का, तो दो टाइप की है, एक तो अपवर्ड होगी, एक डाउनवर्ड होगी। अब देखिए, अगर तो आपकी लेयर जो है ऊपर वाली साइड पे आ रही है, ग्लोब्यूल की लेयर अगर ऊपर साइड पे आ रही है, तो आपकी इमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप की है, ठीक है। डाउन, जो वाटर इन ऑयल टाइप की इमल्शन में हमेशा जो आपकी क्रीमिंग होगी वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। तो इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस करके पार्टिकल साइज होमोजेनाइजर से। होमोजेनाइजर जो हमने पढ़ा था, उसको उससे हम पार्टिकल साइज जो रिड्यूस करके हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सेकेंड मेथड है कि अगर हम इसकी विस्कोसिटी को इंक्रीज़ कर दें, तो विस्कोसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए कोई, मतलब गाढ़ापन जो इंक्रीज़ करने के लिए हम कोई थिकनिंग एजेंट ही ऐड करेंगे, तो उसके साथ हमारी क्रीमिंग जो होती है वो सही हो सकती है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंस्टेबिलिटी जो टॉपिक है, हमने दोनों इसमें दो देखे हैं कि कॉलसेंस, क्रीमिंग, ठीक है। तो दोनों मेथड हैं। तीसरा मेथड हमारा आता है, थर्ड मेथड आता है फ्लॉकुलेशन। फ्लॉकुलेशन से पता चल जाता है कि फ्लॉकुलेट्स हो रही है, फ्लॉकुलेशन हो रही है, जैसे कि फ्लॉक्यूल्स बन रहे हैं। इसमें इन दिस ग्लोब्यूल कम क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ वो आते हैं तो फॉर्म करते हैं फ्लॉक्यूल्स एक्सटर्नल फेस पे, ठीक है। जैसे ग्लोब्यूल्स बनते थे, यहाँ पे फ्लॉक्यूल्स बन रहे हैं। तो इसकी फ्लॉकुलेशन कैसे हो रही है, जो फ्लॉकुलेशन होती है वो इंस्टेबिलिटी तो करती है, साथ में इसको मतलब कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, हम जो अपना ग्लोब्यूल का साइज़ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म कर दें, ठीक है।
जो हमारा ग्लोबुल का साइज़ है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारी यूनिफॉर्म हो तो हम इसे फ्लॉकुलेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेकिंग, ब्रेकिंग और क्रैकिंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपने सुना ही होगा कि आपकी ब्रेकिंग और क्रैकिंग हो गई आपकी इमल्शन की, तो इसमें आपने देखा होगा कि इसमें क्या होता है कि जो आपका कंप्लीट सेपरेशन हो जाती है ऑयल एंड एक्वस फेज की, एक्वस फेज जो वाटर कंटेंट होता है, ठीक है, उन दोनों फेज की आपकी जो सेपरेशन हो जाती है तो इरिवर्सिबल बन जाता है, मतलब कि दोबारा अगर आप रिवर्स करोगे तो वो बनेगी नहीं फॉर्मुलेशन, ठीक है। मान लो कि आप सेपरेशन हो गई, आपने चाहे शेक भी कर दिया ना तो वो सेपरेशन लेयर ही नज़र आएगी, वो नहीं सही होगी, ठीक है। तो ये क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ ड्यू टू एडिशन ऑफ इनकम्पैटिबल इमल्सिफाइंग एजेंट, ठीक है, ये बहुत ध्यान में रखना है आपने। तो इसमें एग्जांपल्स हैं मोनोवेलेंट सोप, डाइवेलेंट सोप, दो टाइप की इमल्शन इसकी एग्जांपल हैं, ठीक है, जो हम इसमें करते हैं फॉलो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फेस इन्वर्शन। ये इंस्टेबिलिटी बहुत ही कॉमन है, जैसे आपने मान लो कि आपने ऑयल इन वाटर टाइप की इमल्शन रेडी करी थी बट वो रिवर्स होके फेस ही इन्वर्स हो गया उसका और वो वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप की बन गई, ठीक है। अगर ऑयल इन वाटर टाइप की आपकी रिवर्स हो जाए, चेंज हो जाए वाटर इन ऑयल टाइप में, तो दैट्स मीन उसको बोलते हैं फेस इन्वर्शन, मतलब आपका फेस ही इन्वर्स हो चुका है, ठीक है। तो इसको हम कैसे होती क्यों है, जब हम जो है कोज कैसे होती है, ये वॉल्यूम रेशो और टेम्परेचर चेंज होने के कारण ये कोज होती है, ठीक है। फेस वॉल्यूम अगर उसकी रेशो नहीं सही गई तो तब होती है, या फिर टेम्परेचर जैसे गर्मी सर्दी हो जाती है तो उसके कारण ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, सिंपल वे है बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट ऐड करके हम इसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन ही है टॉपिक बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन एक क्वेश्चन कई बार साइज आपके फैक्टर्स दे के, तीन चार फैक्टर्स दे के उसमें से बोला होता है कि कौन सा फैक्टर नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि जो फैक्टर्स जो है कैसे इफेक्ट करते हैं फिजिकल स्टेबिलिटी पे, मतलब फैक्टर्स जो विच इम्प्रूव, जिसके साथ हम इम्प्रूव कर सकते हैं हम अपनी फिजिकल स्टेबिलिटी, किसकी, इमल्शंस की, ठीक है। तो फर्स्ट वन है इसमें पार्टिकल साइज़, जो पार्टिकल साइज़ है ना तो बड़ा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए। वैसे जैसे मैंने आपको बताया, एक तो इमल्शन माइक्रो इमल्शन होती है, फाइन इमल्शन होती है, तो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी इमल्शन किस टाइप की बन रही है, ठीक है। सो पार्टिकल साइज़ का हमें बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है। सेकेंड है हमारा पार्टिकल साइज़ की डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि इसकी इंस्टेबिलिटी किसकी वजह से आई थी, कि आपका पार्टिकल साइज़ जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ था, ठीक है। तो थर्ड इसकी, जैसे मैंने बताया, विस्कोसिटी से प्रॉब्लम आई थी, जब मैंने आपको बताया कि इसकी इंक्रीज विस्कोसिटी कैसे कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं हम थिकनिंग एजेंट उसको ज़्यादा डाल के, ठीक है, सॉरी थिकनिंग एजेंट डाल के, ठीक है। तो हमने अभी थोड़े इसमें पढ़ा था थिकनिंग एजेंट, जो क्रीमिंग की प्रॉब्लम आती है ये विस्कोसिटी के कारण आती है, ठीक है, ये फैक्टर इफेक्ट करता है, ठीक है। तो फोर्थ है हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर जैसे मैंने आपको अभी बताया कि टेम्परेचर जो है उससे प्रॉब्लम आती है, किस फेस इन्वर्शन की प्रॉब्लम आती है टेम्परेचर चेंज होने से, ठीक है। तो इसकी हमने ध्यान रखना है कि टेम्परेचर का भी हमें ध्यान रखना होता है ड्यूरिंग हमारी फिजिकल स्टेबिलिटी, जब हमने देखनी हो, ठीक है। तो हम उसको ध्यान रख के, जी फैक्टर्स बहुत इफेक्ट करते हैं। फिफ्थ है हमारा लास्ट वन फेस वॉल्यूम रेशो, जो हम ये इसमें ही प्रॉब्लम आती है फेस इन्वर्शन की भी, फेस इन्वर्शन के में ही प्रॉब्लम आती है फेस वॉल्यूम रेशो की, जब इसकी मतलब कि जो अपर लिमिट है 74% इंटरनल फेस चला जाए इट्स ओके, अगर इसकी रेशो इससे बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो यही इसके मेन जो हैं, यही इनके मेन फैक्टर अफेक्टिंग जो थे। तो ये आज का लास्ट का टॉपिक था हमारा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ मेंशन इन कमेंट। थैंक यू वेरी मच।